सकरवा खबर एक्सपर्ट से। आज खैराग तहसील के ग्राम पंचायत ऊंट गेट से आज यहां की जनता से बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जो 7 तारीख को मतदान होगा। तो हम बात करेंगे चाचा जी, किसको वोट करेंगे आप? रामनाथ। किसको करेंगे? रामनाथ। क्यों, राजकुमार को क्यों नहीं? वो आया ही नहीं। क्यों ऐसी नाराजगी, क्या है नाराजगी? देखो इन्होंने तो कैसे देते भाई, तो आपके तो दुख सुख में साथ रहे हैं, और ये भी यहाँ के जल भी जल की व्यवस्था की आपके लिए, आपके बच्चों की शिक्षा की। हमारे 1.5 साल केवल टूटी रही है, केवल लड़ रही है भाई, मात्र खा रहे हैं। अच्छा, हाँ भैया, आपका नाम? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आप किसको वोट करेंगे? 7 तारीख को मतदान होने वाला है। रामनाथ से करवाए। अच्छा, क्यों? राजकुमार से क्या है? अभी केवल प्रचार के समय अपने क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद 5 साल तक किसी ने उन्हें देखा भी नहीं। अच्छा, तो रामनाथ को ही वोट करेंगे जी? अब की ताज उन्हें ही पहनाना है जी। अच्छा, मेरा नाम विशाल राम है। तो आप किसको वोट करेंगे? समय 7 तारीख को, समय के हिसाब से वही 7 तारीख दूर है। अच्छा, जो 7 तारीख को मतदान होने वाला है, लोकसभा का चुनाव है, किसको मतदान करेंगे, किसको वोट देंगे? हम तो रामनाथ को देंगे। क्यों, राजकुमार जी को क्यों नहीं? नहीं, राजकुमार को पहले दिए थे, वो हमारे उसमें अब आए हैं, तो उनके हिसाब से। तो राजकुमार जी ने बहुत ही जल की है। हाँ, बहुत बढ़िया सुविधा। नहीं नहीं, हम विकास को वोट देंगे। विकास को वोट देंगे। क्यों रामलाल जी को दे रहे, राजकुमार को क्यों? ऐसे क्या है उनसे? राजकुमार जी को पहले दिया था, उन्होंने बहुत बढ़िया विकास किया है खेराड़ में। खैर, इतना सारा विकास किया है यहाँ, जितना भी दिख रहा है सारी जनता जानती है, सारी जनता जानती है बहुत बड़ा विकास किया है उन्होंने। और हर महीने में एक एक राउंड लगाते हैं हर के प्रोग्राम के उसमें। नहीं तो दुख सुख में भी शामिल रहे हैं आप? हाँ, तो दुख में सुख में सब में शामिल रहे हैं, और काफ़ी विकास किया है उन्होंने क्षेत्र में। अच्छा, रब के रामनाथ को मतदान दें। अभी आपका नाम? मेरा नाम मनोज परियार। जो 7 तारीख को मतदान होने वाला है, किसको वोट करेंगे? हम रामनाथ को, विकास के लिए वोट करेंगे। जो विकास करेगा उसके लिए वोट करेंगे। अच्छा, हाँ, और रामनाथ को वोट करेंगे, और रामनाथ जी विकास करेंगे हमें लगता है। राजकुमार जी को कौन? राजकुमार जी ने कोई विकास नहीं किया हमारे। क्यों? कभी नहीं, कोई नहीं विकास। एक बता दो मुझे, नाम लिख के ये राजकुमार चार जी का विकास है, मुझे बता दो। कहते हैं मैं दुख दुख में शामिल रहा, कभी आज तक उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई है। उन्होंने ये क्षेत्र नहीं देखा खिलाड़ में, ये गांव कहां पड़ता है, ये कैसा है, रास्ता कैसा है, गांव में जाने के लिए रास्ता है या नहीं है, प्रबंध किया है तो कहां से किया है, फिर कहां विकास कर दिया उन्होंने? विकास किया उन्होंने अपने क्षेत्र में किया होगा, अपने अपने लोगों के लिए किया होगा भाई, हमारे लिए कोई विकास नहीं किया उन्होंने। तो वो तो ये कहते हैं कि मैं तो जल की व्यवस्था करा दी, गंगा जल ला रहा हूँ 4.5 वो गंगा जल आ रहा है, वो मोदी जी ला रहे हैं, और मोदी योगी से बैर नहीं है, और राजकुमार तेरी खैर।